करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर से चाहे स्टेट बोर्ड चाहे सीबीएसई हो, लेकिन ये वाला डेरिवेशन पक्का बहुत बार पूछते हैं, हम लोगों को डिराइव करें विद द हेल्प ऑफ करंट डेंसिटी वाला रिलेशन। तो आइए देखिए, बहुत ही सिंपल है। इज इक्वल टू क्या होता है, एनी वीडी जे की जगह पर अगर हम लिखेंगे आई अपॉन में, विच इज करंट अपॉन एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी, तो आई इज इक्वल टू एनी ए वीडी। अच्छा, वीडी का जो फॉर्मूला होता है ई बाई एम इंटू टाउ, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये आपका मास है। और साथ में जैसे ही मैंने यहाँ पर वीडी की वैल्यू रखा तो मुझे करंट मिल गया। बट साथ में हम ये भी जानते हैं कि वी इज इक्वल टू ईडी होता है, जहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डी फॉर डिस्टेंस, यहाँ पर लेंथ ले सकते हैं। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर वी बाई एल पुट कर देंगे तो हमारे को ये इक्वेशन मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर ई था, ई था, तो ये ई का स्क्वायर हुआ। अगर मैं यहाँ से कैपिटल वी को सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे को रिलेशन मिल जाएगा वी इज इक्वल टू दिस। तो इस पूरे इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है दैट इज कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एल डिवाइडेड बाय एनी स्क्वायर ए इनटू टाउ। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के पास लेंथ और एरिया होगा, तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट ही है क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन एम एनी स्क्वायर टाउ चेंज नहीं हो सकता। तो रेजिस्टेंस के इक्वेशन में भी ये जो टर्म्स बचा इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं, और इसी कांस्टेंट को रेजिस्टिविटी कहा जाता है, यानी आर बराबर रो एल अपॉन में। सो फाइनली अगर ये आपका आर है, ये आपका आई है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया आई आर। दिस इज फाइनल ओम्स लॉ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ।